हेलो दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज हम देखने जा रहे हैं कि यूआरएल क्या होते हैं और जो आप वेबसाइट के आखिरी में देखते हैं .com .in .org ये सारी सब चीज़ें क्या होती है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आपका जो भी लिंक होता है उसको हम URL बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट के स्टार्टिंग में होता है HTTP HTTPS। सो जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो S होता है बहुत बार वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सो गाइज ये होता है आपका एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट पर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, और जो HTML और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए आपके PC तक। HTTP जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं दूसरे, जैसे कि FTP हो गया। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है Mail-to। तो Mail-to का काम आता है कि जब भी Mail-to और सामने अगर ईमेल हो तो आपके कंप्यूटर में वो ईमेल क्लाइंट को खोल देता है और वहां से आप ईमेल कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आता है WWW। सो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और आप सभी जानते हैं कि ये वेबसाइट की शुरुआत में आपको ये एड्रेस टाइप करना होता है। गाइस उसके बाद आता है आपकी वेबसाइट का नाम। सो वो ऑब्वियसली बात है, जो भी वेबसाइट का नाम होता है वो वेबसाइट का नाम हम वहां लिखते हैं। अब उसके बाद लास्ट में आपको बहुत अलग अलग तरह की चीजें दिखती है, कहीं पर .com, कहीं पर .net, कहीं पर .org, कहीं पर .in। तो गाइस इसका मतलब होता है कि .com जो है या .net है जो .in है, इन सभी को TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, और ये यूज होते हैं अलग अलग तरह के डोमेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे कि .com जो है वो कमर्शियल कामों के लिए यूज होता है, जो .org है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, .gov जो है वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनके लिए यूज होता है, .in जो है वो इंडिया के लिए है, .pk है वो पाकिस्तान के लिए है, इसी तरीके से .us और भी बहुत तरीके हैं, वो अलग अलग कंट्रीज को डिनोट करते हैं। गाइज .com के बाद आपने देखा होगा कि स्लैश लगकर कोई भी एक वर्ड होता है, जुलाई अगस्त या कुछ भी वो वर्ड हो सकता है। तो वो जो वर्ड होता है वो होता है वेबसाइट का एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे पेजेस रखे हुए होते हैं। उसके बाद स्लैश लगाकर होता है एक पेज का नाम, जैसे होता है home.html, index.html, about.html। तो जो आप उस टाइम पे वेब पेज को सर्व कर रहे हैं वो उस वेब पेज का नाम होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों को साथ में अगर जोड़े तो एक URL बनता है और वो URL काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा और उससे कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।